आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं युद्ध की तैयारी कर रहा हूं, वही युद्ध जो ज्वालामुखी की भांति कभी भी फट सकता है। युद्ध वही जीतता है जो युद्ध में व्यतीत होने वाले समय से अधिक समय युद्ध की तैयारी में लगाए। जो योद्धा अभ्यास क्षेत्र में जितना अधिक समय दे, रणभूमि में उतना ही कम रक्त बहेगा। एक सामान्य लौह और तीखी तलवार में अंतर यही है कि एक तीखी तलवार को कड़ी अग्नि परीक्षा से होकर जाना पड़ता है, लौहकार की मार खानी पड़ती है। एक तलवार जितनी पीड़ा सहेगी उसका वार उतना ही प्रबल होता है। इसलिए पीड़ा से घबराए नहीं, उसका सामना करें, उसका अभ्यास करें, क्योंकि यही अभ्यास जीवन के युद्ध में आपको विजयश्री बनाता है। पक्षपात ना हो, इसलिए मैंने अपनी शक्ति को दो भागों में विभाजित किया है। परंतु क्या है ना वासुदेव, मुझे संदेह है कि आपकी ये सेना मेरा आदेश नहीं मानेगी। अवश्य मानेगी। क्योंकि मैं नारायण सेना का नेतृत्व करूंगा। मैं हस्तिनापुर की ओर से युद्ध में भाग लूंगा और नारायणी सेना का सेनापति बनकर निर्देश दूंगा। अब कोई छल नहीं कर पाएगा और ना ही कोई विद्रोह। अब तो आपके मन में कोई संदेह नहीं है ना स्वसुर श्री? अब कोई संदेह नहीं। ये विभाजन मुझे स्वीकार है। हस्तिनापुर नारायणी सेना की प्रतीक्षा करेगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए, बहुत कार्य शेष है, तैयारियां करनी है। विनम्रता से तुमने ऐसा क्यों किया पार्थ? मेरे समर्थन के लिए इतना बड़ा त्याग? मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए माता जो मुझे आपसे दूर करे। ऐसी नारायणी सेना से क्या लाभ जिसमें नारायण ही ना हो? ये धर्म युद्ध है माता, और धर्म वहीं खड़ा होगा जहां आप होंगे, और धर्म की विजय कोई भी सेना नहीं रोक सकती। आप सदैव हमारे मार्गदर्शक रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप विजय का मार्ग अवश्य दिखाएंगे। मैं प्रतीक्षा करूंगा। मुझे ऐसा सुनकर अति प्रसन्नता हुई अर्जुन। लंबी यात्रा से आए, बहुत थक गए हो, जाकर विश्राम कर लो, कुछ प्रहर बाद चले जाओ। प्रणिपा, मुझे क्षमा कर दीजिए पिताश्री, मैंने आपको पक्षपाती समझा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। ठीक कहा था आपने, आप लोगों को नहीं चुनते, लोग आपको चुनते हैं। हमारा भविष्य हमारे चुनावों का ही परिणाम होता है पुत्री।
जीवन में किस मोड़ पर हम क्या निर्णय चुनते हैं, उससे सिद्ध होता है कि हमें हमारा लक्ष्य मिलेगा या नहीं। परंतु क्या होगा पिताश्री, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरे पति और मेरे पिता सुरक्षित रहे। कर्म करो लक्ष्मण, फल की चिंता ना करो। तुम्हारे पिता और सांब को उनके कर्मों का फल मिलेगा और अर्जुन को अपने कर्मों का। मैं भी इस युद्ध में सम्मिलित होना चाहता हूं। मैं अपना निर्णय ले चुका हूं और अपना पक्ष भी चुन चुका हूं। जिस ओर मेरा मित्र सांब होगा, अंगराज, युवराज दुर्योधन द्वारका से हस्तिनापुर लौट रहे हैं और सूचना ये है कि नारायणी सेना दुर्योधन के पक्ष में आ गई है और कृष्ण अर्जुन के पक्ष में है। अंगराज, तुम शीघ्र हस्तिनापुर लौटो, युद्ध हस्तिनापुर की सीमा पर है। गांधार राज शकुनी। ये तुमने कैसी मूर्खता कर दी मित्र, कैसी मूर्खता कर दी तुमने। मुझे अभी द्वारका के लिए प्रस्थान करना होगा। पिताश्री, ये अचानक कहां जा रहे हैं? माँ, एक बार पुनः अपने कर्तव्य के लिए अपने परिवार को छोड़कर जा रहे हैं पिताश्री। विश्वास नहीं होता, अर्जुन इतना बड़ा मूर्ख है, इतनी सरलता से मुझे नारायणी सेना दे दी। आरती, रोको। अच्छा हुआ तो मुझे यही मिल गए। मैं सोच ही रहा था कि सबसे पहले ये शुभ समाचार मैं तुम्हें ही दूं। जानते हो मैंने क्या किया है? यही मैं जानना चाहता हूं कि यह तुमने क्यों किया है। प्रतीत होता है कि तुम्हें सूचना पहले ही मिल गई है, परंतु तुम दुखी क्यों? तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए। मुझे नारायणी सेना मिली। नारायण के बिना तुम्हें नारायणी सेना मिल गई है। मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें अर्जुन से पूर्व द्वारका पहुंचना है। तुम अर्जुन से पूर्व द्वारका क्यों नहीं पहुंचे मित्र? अरे, तुम्हें मिथ्या बोध हुआ है मित्र। अर्जुन से पूर्व द्वारका पहुंचा था क्या? तो फिर ऐसा क्यों हुआ? अरे क्या हुआ मित्र, कुछ अनुचित नहीं हुआ है, सब हमारे हित में हुआ। हम दोनों को बराबर का अवसर मिला था, कृष्ण या नारायणी सेना चुनने का। उस मूर्ख ने नारायणी सेना छोड़कर कृष्ण को चुना और मैंने भी उसकी मूर्खता के लिए उसे रोका नहीं, और
क्यों रोकता? पहले अवसर उसे मिला जबकि पहले मैं पहुंचा था। और तुमने वासुदेव को नहीं चुना, ये क्या किया तुमने? तुमने वासुदेव को क्यों नहीं चुना मित्र? उस पाखंडी कृष्णा को ये उपहार दे देना, कहना उसको कि उसके पास मेरी एक वस्तु है जो मुझे चाहिए। तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है मित्र, अब हमारा सामना कोई नहीं कर सकता है। हमारे पास संसार की सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर सेना है, नारायणी सेना, जो आज तक कभी पराजित नहीं हुई। और तुम्हें लगता है कि मैंने कृष्ण को ना चुनकर कुछ अनुचित किया है? वो कृष्ण जो इस युद्ध में शस्त्र भी नहीं उठाएगा। मित्र, तुम जानते हो कि नारायणी सेना आज तक अपराजित क्यों रही है? वो अपराजित रही है केवल वासुदेव के कारण। और आज मैं नारायणी सेना का नेतृत्व करूंगा, मैं हस्तिनापुर की ओर से युद्ध में भाग लूंगा। अब ना ही कोई छल कर पाएगा और ना ही कोई विद्रोह। प्रणिपात माता। पार्थ, क्या हुआ पार्थ, कुछ भूल गए थे? हाँ माता, मैं आपको बताना भूल गया था कि द्वारका पहुंचने में मुझे विलंब हुआ था, क्योंकि मार्ग में मेरा एक विचित्र घटना से सामना हुआ। तुम्हारे कहने का तात्पर्य यह है कि तुम्हारा सामना किसी विचित्र मनुष्य से हुआ, है ना पार्थ? तुम्हारा ही तो कार्य करने आया था युवराज दुर्योधन। मैं वासुदेव, पांड्रक वासुदेव। पांड्रक वासुदेव, यही नाम बताया ना उसने? जिसने मेरी भांति वेशभूषा भी धारण कर रखी थी, है ना? हाँ, आप जानते हैं मैं भी कैसा प्रश्न पूछ रहा हूं, भला आपसे क्या छिपा है? परंतु मेरी समझ में यह नहीं आता कि वो पखंडी आपके रूप में प्रस्तुत होकर सबको भ्रमित कर रहा है और आप शांत। शांति की आशा में कभी कभी शांत बैठना भी पड़ता है पार्थ। मुझे ज्ञात है कि पांड्रक मेरे नाम का दुरुपयोग करके सबको भ्रमित कर रहा है, परंतु अवसर सबको मिलना चाहिए अपनी भूल सुधारने का। वही अवसर जो मैं सबको देता हूं, वही अवसर जो मैंने शिशुपाल को दिया था, वही अवसर जो मैंने कंस मामा को भी दिया था। और यदि मनुष्य अपनी भूल ना सुधारे तो उचित समय आने पर उसे अपने कर्मों के फल अवश्य मिलते हैं पार्थ। अब तुम मुझे पांड्रक का संदेश सौंप सकते हो पार्थ। Thank you.
ये क्या था माधव? पौंड्रक का संदेश पार्थ। संदेश? हाँ पार्थ, ये संदेश कि जो भी मेरे दर्शाए मार्ग पर चलेगा पौंड्रक उसका नाश कर देगा। वासुदेव नहीं है, कौन है ये मित्र? हमारे मित्र का मित्र है ये पौंड्रक, पौंड्रक वासुदेव। इन्हीं की सहायता से मैं अर्जुन से पूर्व द्वारका पहुंचा और नारायणी सेना को अपने पक्ष में कर पाया। इसका श्रेय मामा श्री की तीव्र बुद्धि को जाता है मित्र। उन्हीं ने पौंड्रक को संदेश भेजा कि वो अर्जुन के मार्ग में बाधा उत्पन्न करे। इन्होंने अर्जुन को रोका और उसी कारणवश मैं अर्जुन से पूर्व द्वारका पहुंच पाया। अर्जुन को मार्ग से भटकाने का पूरा प्रबंध कर दिया है मैंने। तो तुमने फिर से छल किया। छल? छल मैंने नहीं, उन्होंने किया। युधिष्ठिर के स्थान पर अर्जुन को भेजकर मैंने तो केवल उन्हें उत्तर दिया है। मित्र, उन्होंने जो किया उसे छोड़ो, परंतु तुम्हें अवसर मिलने पर भी तुमने वासुदेव के स्थान पर नारायणी सेना को चुना। इसे मूर्खता कहते हैं। मूर्खतापूर्ण बातें तो तुम कर रहे हो अंगराज। वासुदेव तो दुर्योधन के ही पक्ष में है। मैं हूं वास्तविक वासुदेव। पौंड्रक वासुदेव दुर्योधन के ही पक्ष में है। मुझे तुम पर दया आती है अंगराज, दया आती है तुम पर कि मुझे समक्ष पाकर भी तुम उस छलीय कृष्ण की माया में उलझे हुए हो। समझ ही नहीं आता कि ऐसी क्या माया डाली उस छलीय कृष्ण ने कि तुम सत्य देखने को प्रस्तुत ही नहीं हो। पौंड्रक वासुदेव है मेरा नाम। पूरा नाम तो लेना सीखो अंगराज। खेद है मुझे, खेद है कि तुम एक मनुष्य की पहचान करने में असमर्थ हो। तुम अपने युद्ध के लिए अपनी सेना में एक पाखंडी को चुनना चाहते हो, उस पाखंडी कृष्ण को चुनना चाहते हो तुम। अरे ऐसा क्या है उस छलीय पाखंडी कृष्ण में जो तुम सब सारे लोग उसकी ओर खींचे जा रहे हो? क्या समस्त संसार में केवल एक ही मायावी रह गया है? हाँ? बस बस तुम करो मित्र, बस। मुझे कृष्ण की वो विशाल सेना चाहिए थी जो मुझे मिल गई। वैसे भी वो निहत्था निशस्त्र कृष्ण मेरे किस काम का है? हाँ, सत्य कहा दुर्योधन, सत्य कहा। वो छलिया कृष्ण किसी काम का नहीं। देखना, तुम ही जीतोगे ये युद्ध, क्योंकि तुम्हारे पास केवल नारायणी सेना नहीं, स्वयं वास्तविक नारायण, वास्तविक वासुदेव, पौंड्रक का वासुदेव। वो कृष्ण तो मेरा रूप रखकर सबको भ्रमित करता रहता है। बहुरूपिया मात्र है वो तो। उस कृष्ण का तो इस संसार से मैं पौंड्रक। अब एक और शब्द वासुदेव के विरुद्ध मत कहना।